नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको पता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं और उन एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के साथ ही आपका एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो है आपका करंट का। देखिए, सिर्फ करंट को कवर करना ही एकमात्र बुद्धिमानी नहीं है, करंट के साथ हम ट्रेडिशनल, या हम यूं कहें कि ट्रेडिशनल के साथ हमें करंट को कवर करते हुए चलना है, ये हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस में पूरे जीएस की मैं बात करूं तो पूरे जीएस में 7 सेक्शंस होते हैं और उन 7 सेक्शन में एक सेक्शन आपका करंट अफेयर का होता है। मतलब होल अगर मैं एक क्वेश्चंस की बात करूं 100, तो जो आपका एक सेक्शन होता है प्लस माइनस 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स होता है। मतलब सिर्फ आपके करंट का जो आपके एग्जाम में हिस्सा है जीएस में, वो सिर्फ और सिर्फ 15% का है। मतलब जितना जीएस आना है उन सारे जीएस का 15% है। सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी पढ़ाई करंट पे शिफ्ट कर देते हैं, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे करंट के नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। इस हिसाब से अगर आप देखें तो महीने के 30 से 45 घंटे सिर्फ आप करंट पे देते हैं, और अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन भी नोट करते हैं, मतलब महीने के 300 क्वेश्चन, और 6 महीना का करंट तो आप अपडेट करते ही हैं, मतलब 6 महीने में आपने 1800 क्वेश्चन का पूरा एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सो डेली अपडेट करने से अच्छा है कि एक बेहतर अप्रोच के साथ आप करंट की चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि करंट के पीछे की एक साइकोलॉजी कहती है कि जिस दिन वो करंट की घटना होती है उस दिन हमें हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आता है, कि अभी तक का तो सबसे भयंकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आज मैं करंट के लिहाज से पढ़ रहा हूँ। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद घटनाएं जस्ट चेंज हो जाती हैं, कि जो हमें 3 दिन पहले बेहतर लग रहा था या इम्पॉर्टेंट लग रहा था कि क्वेश्चन अब एग्जाम पेपर में तो इसी से कल्याण होना है, 2 दिन बाद लगता है नहीं, वो तो कम इम्पॉर्टेंट था, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये करंट के साथ चलता है। ठीक, सो बेहतर ये है कि करंट को कवर करने का एक बेहतर मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए, कि कम से कम टाइम में जो हमारे यहाँ एग्जाम्स में 15% के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें कैसे कवर करें, और उन सेक्शंस में हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक, देखिए, करंट में 4 सेक्शन तो आपको कवर करना ही करना है किसी भी एग्जाम से पहले। आना ना आना अलग का मैटर है, हमारे एग्जाम में आ रहा है या नहीं। पहला कि अगर उस वर्ष का फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो आपको पढ़ना है, जैसे कि इस बार का हुआ है, जनवरी में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, उसे हम कवर करेंगे। इसके साथ ही में अभी बजट आया हुआ है यूपी का, तो हमारे करंट के लिहाज से आने वाले एग्जाम्स में, और सबसे बड़ी बात है यूपी बजट ऐसे टाइम पे आया है कि हमारे सारे एग्जाम्स यहीं से 5 महीने के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो। इवन अगर मैं बात करूं लेखपाल से लेके, तो लेखपाल को आप ले लीजिए, लेखपाल से आगे जितने भी एग्जाम्स हैं सब में यूपी का बजट इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन के ही लिहाज से, बट आपको पढ़ना पड़ेगा एज अ करंट। ठीक, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है, यूपी का बजट पढ़ना है, यूनियन बजट पढ़ना है, और इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़नी है। इन 4 को हम कवर करेंगे एक साथ में। उसके बाद में जो भी करंट के लिहाज से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी जो प्लान है करंट अफेयर की, वो वीकेंड है, वीकेंड में हम आपको पूरे 1 वीक का करंट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो पॉइंटर्स के माध्यम से हो या लेक्चर के माध्यम से हो। हो सकता है पूरी की पूरी अगर इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ इस पर थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करना है तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट यकीन मानिए कि पूरा का पूरा वीकेंड हमें हम आपको एट एज अ वीक एंड द वीकेंड में हम आपको कवर कर देंगे, एंड एंड ऑफ मंथ में पूरे वीकेंड के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम एक बार कवर कर लेंगे। सो आप देखेंगे कि आपका पूरा करंट मंथली वाइज कवर हो जाएगा, वो भी कम टाइम में। ठीक है, आप अगर दिन के 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 घंटा आपको करंट पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी 6 घंटे तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे देना है, वो भी सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। इसके साथ ही में अगर आप लेखपाल दे रहे हैं तो आपको रूरल डेवलपमेंट्स भी पढ़ने हैं। इवन कोई और भी अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं, सपोज दैट आप यूपी टेट दे रहे हैं, तो टेट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूपी टेट में पढ़ने हैं, आपको CDP पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, उर्दू है तो उर्दू पढ़ना पड़ेगा, CDP के साथ में आपको हिंदी और GS तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यही नहीं कि सिर्फ GS पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको प्रॉपर पढ़ने हैं। सुपर टेट में भी सेम है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं GS के साथ में। इसके बाद में PET है, तो PET में भी आप
आपको एज अ जीएस सब्जेक्ट के साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, जीएस में सारे सेक्शन पढ़ने हैं, करंट भी पढ़ना है। सो कभी भी कोशिश करिए कि करंट को ज़्यादा वेटेज मत दीजिए, इवन करंट ही नहीं, कोई भी अगर टॉपिक है आपका या सब्जेक्ट है तो उसको सिर्फ उतना वेटेज होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपके पूरे एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब अगर मैं ऐसे एक सर्किल गोला, मतलब एक सर्किल ऐसे कर दूं, ड्रा कर दूं, तो उसमें इकोनॉमी करंट का कितना हिस्सा आता है, इवन मैथ का कितना हिस्सा आता है, आपको मैथ पे उतना ही टाइम देना है, इवन जीएस पे भी उतना ही टाइम देना है, ठीक है। सो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट, जो हमारा अभी रिपोर्ट आया है, वन रिपोर्ट आई है, उस वन रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबा कहानी की बातें नहीं करेंगे, आपके एग्जाम के लिहाज से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण है उस पर हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए अगर क्वेश्चन आपका वनडे के एग्जाम में वन रिपोर्ट से अपेक्षा रखती है पूछने की, तो यकीन मानिए कि इतना सफिशियंट है आपके लिए। अगर आप सिविल दे रहे हैं तो सिविल में इससे ज़्यादा की अपेक्षा आपसे की जाती है, लेकिन चूंकि आप वनडे के हैं तो वनडे में इतनी ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसके बारे में आप अवेयर हों, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में आपको सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो आपको चाहिए कि आप मल्टी डायमेंशनल हों, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके आप सेंट्रलाइज ना हो, ठीक है। सो आज पे हम जिस टॉपिक पे बात करने हैं वाले हैं वो है हमारा वन रिपोर्ट। आज के वन रिपोर्ट में हम देखेंगे कि वन रिपोर्ट में वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और किन किन तथ्यों को हमारे इस वन रिपोर्ट पे रखा गया है। हम कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों पे बातें करेंगे, जैसे सपोज दैट मैं सिर्फ करंट की बात कर लूँ कि इस वन रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या पूरा भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन, मतलब वनाच्छादित है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपल सा पूछ लूँ कि प्रेजेंट टाइम पे जो रिपोर्ट है ये किस नंबर की है, तो आप कह देंगे साहब ये 17th रैंक की है, यानी 17वें स्थान की है, 17वें नंबर की है, ये आपका करंट हो गया, ठीक। ट्रेडिशनल की बात की जाए, वन रिपोर्ट पहली बार कब से स्टार्ट किया गया, वन रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है और करता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, ये चीज़ें आपके ट्रेडिशनल हैं। तो दोनों पक्षों को हमें देखना पड़ता है, करंट और ट्रेडिशनल, क्योंकि हो सकता है कि फोकस आपका करंट पे हो, आपसे ट्रेडिशनल पूछ ले तो लगेगा कि नहीं यार ये तो मैंने स्किप कर दिया, और आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप कंपटीशन में होते हैं तो पॉइंट समथिंग आपको अंदर और बाहर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट समथिंग से आप अंदर होते हैं, पॉइंट समथिंग से बाहर होते हैं। एक बात याद रखिए कि अंदर का मतलब अंदर और बाहर का मतलब सिर्फ बाहर होता है, क्यों ना वो पॉइंट समथिंग से ही हो, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम कवर करेंगे, करंट के साथ ट्रेडिशनल, ठीक है। सो आज के इस रिपोर्ट को हम ध्यान देते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पे, ठीक है। पहला पॉइंट है कि 13 जनवरी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत किया गया, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये है, भारतीय वन रिपोर्ट या वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल पर तैयार की जाती है या पब्लिश की जाती है। मतलब इससे पहले कब किया गया था? इससे पहले आपका 2009 या 2019 में यह रिपोर्ट पब्लिश थी, और उसके बाद में 2021 के नाम से यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं बात करूं, भारतीय वन सर्वेक्षण और पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। किसके अंतर्गत है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगर मैं बात करूं पहली बार, देखिए ये तो आप पहचान जाएंगे कि मुद्दा कैसा है, मुद्दा कैसा है तो जाहिर सी बात है मंत्रालय होगी। अब पर्यावरण से अगर संबंधित कोई टॉपिक है तो रेल मंत्रालय थोड़े उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। या अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट पर्यावरण मंत्रालय थोड़े पब्लिश करेगा, बजट तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग है, और आर्थिक कार्य विभाग के अंडर में जो आपका बजट प्रभाग है वो पब्लिश करता है, ठीक है। सो ये तो आप देख के भी टिक मार लेंगे, उसका सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए ये मुद्दा, ठीक। पहली बार जो आपका वन रिपोर्ट है 1987 से प्रारंभ किया गया है, तब से लेके हर वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पे यह रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, और प्रेजेंट टाइम पे जो ये आपकी रिपोर्ट है ये 17th रैंक की आपकी रिपोर्ट है, जो कि यहाँ कह रहा है, ठीक।
तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, 13 जनवरी 2022 को वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण इसको पब्लिश करता है, जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको जानना है। पहली बार 1987 में पब्लिश किया गया, तब से हर 2 वर्ष के अंतराल पर पब्लिश किया जाता है। प्रेजेंट टाइम पे जो नवीनतम रिपोर्ट है ये आपकी 17वीं रिपोर्ट है। इतनी चीज़ें आपको फैक्ट जाननी है, और वनडे में आपसे फैक्ट पे ही बात किया जाता है। हालांकि अगर आप एक अच्छे लेवल पे एग्जाम देंगे तो आपसे फैक्ट की उतनी अपेक्षा नहीं की जाती है, आपसे कॉन्सेप्ट पे बात किया जाता है। क्योंकि फैक्ट में क्या है कि अगर आप सपोज दैट मान लीजिए आप सिविल दे रहे हैं, तो एज अ एडमिनिस्ट्रेशन आपसे फैक्ट पे उतनी बातें नहीं होती जितना कॉन्सेप्ट पे होता है। रीज़न है, सपोज दैट अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर कौन से रिपोर्टर फट से आप गूगल करेंगे, फैक्ट पता चल जाएगा, ठीक। बट कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी आप गूगल करके एक एनालिसिस जनरेट नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपका एनालिसिस पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में नया क्या है। जैसे अगर किसी बजट में कुछ नया होता है तो वो आपके लिए एक चर्चे का मुद्दा बन जाता है। जैसे अगर यूनियन बजट आया है और टैक्स स्लैब में कोई चेंजिंग किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर टैक्स स्लैब में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, एज अ पिछली बार वाला है, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि टैक्स स्लैब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सपोज दैट जैसे अभी इन्फ्लेशन को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ जो मौद्रिक नीति समिति थी वो अपने रिपोर्ट में या अपने दरों में कोई बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर रही थी। अभी जस्ट 1 महीने पहले आप देखेंगे तो सारे दरों में चेंजिंग्स किए गए हैं। उन दरों में जो चेंजिंग्स किए गए हैं वो आपके प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ है। अभी तक नहीं था इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, अब परिवर्तन हुआ है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन पॉइंट्स को जानें कि रेपो रेट में कितना है, रिवर्स में कितना है, CRR में कितना है, MCLR में कितना है, और इन सारी चीज़ों में क्या क्या चेंजिंग्स किए गए हैं। सो जहाँ चेंजिंग्स की बातें आती हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे पहली बार बाघ अभ्यारण, गलियारा और शेर संरक्षण क्षेत्रों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मैं बात करूँ वन एवं वृक्ष आवरण में 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हैशटैग कर रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ मैं हैशटैग कर रहा हूँ, जो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूँ वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र 18.9 मिलियन हेक्टेयर है, ये आपके लिए इतना लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितना है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का हमारे यहाँ वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है। तो सर जनाब ये है 24.62 पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप इनको एक पेज पे एक नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ की पॉइंट लिखना है, की पॉइंट लिखना क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि की पॉइंट में आपको कैसे लिखना है। आपको कुछ खास नहीं लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। अगर पूरे एक पेज को आप लिखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, आप ये भी ना लिखिए, सिर्फ लिखिए फर्स्ट कब किया गया है 1987, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में अभी कौन सी रिपोर्ट है, ये पहली है। इसके बाद लिख लीजिए 17वीं कब 2021 में है। इसके बाद कब 2 वर्ष ऐसे लिख लीजिए, 2 वर्ष के अंतराल पे कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, और ये किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु, इतने में आप समझ जाएंगे, ठीक। इसके बाद में सीधा आप लिखिए अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो है 24.62%। इसी के साथ में आप लिखिए वृद्धि कितनी हुई है, सीधा लिख लीजिए 2261 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है, ठीक। इसी के साथ में आप लिख सकते हैं कि पहली बार बाघ एवं टाइगर, अपनी समझ के लिए आप समझ जाएंगे कि पहली बार में इनको स्थान दिया गया है, ठीक। अब
इतनी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये 4-5 पेज का कंटेंट आपको मैं एक पेज पे दे रहा हूँ, और आप इन सारी एक पेज के कंटेंट को मुश्किल से पूरे 2 लाइन में सिमेट सकते हैं। पहला 1987 17वीं रिपोर्ट 2021 दो वर्ष के अंतराल पे भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूरे एरिया का भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% जो वृद्धि हुआ है 2261, और पहली बार बाघ एवं टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। ऐसे अगर आप नोट्स कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि ये वीडियो या ये क्लास आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आप एग्जाम से निकलेंगे, ये की पॉइंट्स ही आपके रिकॉल करा देंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। जो हमारा वृद्धि हुआ है 2261 किलोमीटर, इन 2261 किलोमीटर में क्या क्या है, तो इन 2261 में 1540 और 721 की मैं बात करूं, तो ये आपके वन क्षेत्र हैं, ये आपके वन क्षेत्र हैं, और 721 आपके वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। ठीक, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और इन चीजों में भी सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ है वो वन आवरण में, खुले वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, ओपन फॉरेस्ट पे देखी गई है। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि खुले वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि तो हुई है, किन क्षेत्रों में हुई है, ठीक है, और अगर कहीं कमी अगर आई है तो किन क्षेत्रों में कमी आई है। इन दोनों चीजों को हम देखेंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं वृद्धि की, तो अगर आप देखेंगे वृद्धि में, तो गेंस का मतलब है वृद्धि। मैं पेन को ब्लैक करता हूं, रेड करता हूं। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं वृद्धि की, तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि किलोमीटर में हुई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक एंड झारखंड, ये वो स्टेट्स हैं जहां वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि आपसे सीक्वेंस लगाने का पूछ दे, वनडे में नहीं पूछेगा, सिविल में पॉसिबिलिटी बनती है एक बार, ठीक। वनडे में बस इतना जानिए कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य है, ठीक, इतने से आपका काम हो जाएगा। या तो टॉप थ्री आप देख लीजिए, पता नहीं आंध्र प्रदेश हटा दे, तेलंगाना उड़ीसा दे दे, फिर तो गच्चा खाएंगे हम, ठीक है। सो टॉप थ्री देख लीजिए, टॉप थ्री में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं लॉस की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो लॉस है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहां सबसे ज्यादा आपको लॉस देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा लॉस है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉप थ्री सिर्फ जानिए कि टॉप थ्री में कहां कहां चेंजिंग्स हुए हैं, तो इन दोनों डेटा को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि क्या कहता है, वही जो मैंने अभी आपसे कहा, यहाँ भी वही कह रहा है। वन क्षेत्रों में वृद्धि वाले राज्यों में नंबर एक पे है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। ऑलरेडी मैं बता चुका, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसी के बाद में आप देखेंगे कि उन क्षेत्रों फल के आधार पे जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन से राज्यों में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन, मतलब ये मुद्दा ये कह रहा है। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश नंबर एक पे, अरुणाचल प्रदेश नंबर दो, छत्तीसगढ़ तीन, ठीक, उड़ीसा चार और महाराष्ट्र पांच। ये आप देखिएगा, खासकर ये दोनों। हालांकि आप अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि डेटा कुछ मैनुपलेट हो जाए, या हमने कम वाले में पढ़ लिया तो ज़्यादा वाले में ध्यान ही ना आए। कभी कभी होता है कि डेटा ये होता है, रिकॉल हमें कहीं अलग हो रहा होता है, ठीक है। सो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है कि हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश हमने वहाँ पढ़ा है, तो यहाँ से हमसे गड़बड़ हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा वन आच्छादित वाले जो राज्य हैं वो यही राज्य हैं। और वही मैं बात करूं अगर पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर के वन क्षेत्रों में 1020 किलोमीटर की कमी आई है, मतलब वन क्षेत्र ह्रास हुआ है, ठीक। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में बात करूं कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रों में आने वाली कमी, मैंने अभी आपको बताया कि इन क्षेत्रों में कमी आई थी, उन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय है। ठीक, ये थोड़ा देखिए मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो खुद भी एक लाइन से लिखना शुरू कर दूंगा, लिख दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलूँगा लिखूँगा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम एक क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम देना है जितना इसकी वैल्यू है, किसी को भी वैल्यू से ज़्यादा टाइम कभी नहीं देना है। ठीक है, सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही मैं कुछ फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पे मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज्यादा वनाच्छादन है। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा पहली चीज। वहीं मैं बात करूं तो 14 स्टेट एंड 7 यूटी में जो हमारे यहाँ क्षेत्रफल है वनाच्छादन का वो 33 से लेके 75 के आसपास है। ठीक, इसी के साथ मैं बात करूं सर्वाधिक सघन श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्रों में कान्हा से लेकर नवेगांव और इंद्रावती झारखंड कॉरिडोर में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। कितना है? 857 है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसीलिए देखिए मैंने हैशटैग नहीं किया है। ठीक, वनडे में फैक्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट कब पूछता है? अगर मान लीजिए यही अगर सिविल होता तो पूछ सकता था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चार स्टेटमेंट देता, वो दो ट्रेडिशनल देगा, दो करंट देगा, फिर आपसे सही या गलत पूछेगा। यहाँ वैसी पॉसिबिलिटी आपसे नहीं बनती है। ठीक, वहीं मैं अगर खुले वन की बात करूँ या ओपन की मैं बात करूँ तो ओपन में सतपुड़ा मेलाघाट कॉरिडोर में 392 किलोमीटर में इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। वहीं पर मैं बात करूँ सर्वाधिक वनाच्छादन वाले तो टाइगर रिजर्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश से रणथंभौर कॉरिडोर जो है इनमें सबसे ज़्यादा आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर मैं मैग्रोव की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्रोव कवर जो आपका है, ये 4992 है किलोमीटर है, यानी 4992 किलोमीटर हमारे यहाँ मैग्रोव कवर है और जो वृद्धि हुई है ये 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये डेटा तो उतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना हो, बट ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंजिंग्स हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि सर्वाधिक मैग्रोव वाले क्षेत्र कौन से हैं। जब हमने क्षेत्र देखा है, वन देखा है, कहाँ कमी हुई है, कहाँ ह्रास, कहाँ कमी हुई है, कहाँ वृद्धि हुई है, किन एरिया में सबसे ज़्यादा वन है, इन चीज़ों को देखकर थोड़ा मैग्रोव को भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक मैग्रोव क्षेत्र है वो हमारा उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इसमें सिर्फ आप ये जानिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर वही मैं कार्बन स्टॉक की बात करूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दरअसल अभी हमारे यहाँ जो मुद्दा चल रहा है ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर चल रहा है, ग्रीन एनर्जी को लेकर चल रहा है, कैसे भी करके हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। इस मुद्दे पे ये एक नेशनल मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है। कार्बन ट्रेडिंग की बात चल रही है, कार्बन फुटप्रिंट की बात चल रही है, ठीक है, कार्बन टैक्स की बात चल रही है, कार्बन ट्रेडिंग की बात चल रही है, ये सारे मुद्दे जो टर्म्स हैं वो वनडे के लिए हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट ना हो, सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा कवर कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ का कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन के आसपास है, वहीं पे अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो भारतीय वन रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। ठीक, ये करंट के लिहाज से मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक, इसके बाद में जो आपको मैं डिलीवर करने वाला हूँ वो मैं यूपी बजट या यूनियन बजट, इन दोनों में से कोई एक डेटा मैं आपको डिलीवर कर दूंगा एज अ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में फिर इकोनॉमिक सर्वे, ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, सो इससे पहले के जो भी क्लासेस हैं आपने नहीं देखे हैं सो आप उन्हें देख सकते हैं। इसे आप लोग कवर करना ही चाहिए, करना चाहिए नहीं करना होगा, यहां से मत पढ़िए, कहीं से पढ़िए। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस कुर्सी और मेज पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपके एग्जाम का एक सिलेबस तो होना ही चाहिए, साथ ही में सिलेबस के साथ में पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिसलिनियर होते हैं, कहाँ से होंगे नहीं पता, बट वो हमारे एग्जाम का एक पॉइंट, मतलब एक एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, उन्हें भी हमारे एग्जाम में एक प्लेस दिया जाता है। सपोज दैट WTO
आता है। अब इकोनॉमी में लीजिए तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आता है, करंट के हिसाब से ले लीजिए तो करंट के हिसाब से आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देख लीजिए तो वो भी वहीं से आ जाता है। ठीक, इसके साथ में IMF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, इसके साथ ही में मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन है, इसके साथ ही में अगर मैं इन्वायरमेंट पे घुसूँ तो इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे संगठन है, वो आपको देखने को मिलता है, SDG आपको देखने को मिलता है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, SDG है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके साथ ही में हमारे यहाँ जो भारत सरकार कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है नीति आयोग के माध्यम से, जो SDG आती है, या मैं बात करूँ तो कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, तो ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको पढ़ने का एक अच्छा तरीका है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे सपोजेट मान लीजिए अभी आप ओरिएंटेड हैं लेखपाल पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पतली सी कॉपी ऊपर लेखपाल, कॉपी के जस्ट अंदर लेखपाल का सारा सिलेबस, और सिलेबस के अगले नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसे की पॉइंट्स हो जो आपको लग रहा हो कि आप मिस कर जाते हैं रिकॉल करने में, आप उन्हें नोट करके रखिए, यकीन मानिए कि चीज़ें इजीली आप तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।